हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। इस वीडियो में हम समझेंगे 16 जनवरी से जो एग्जाम होने वाला है क्या उसी टाइम टेबल पे एग्जाम होगा और क्या उसमें कोई टाइम टेबल में चेंजिंग होने वाला है कि नहीं, सारी चीज़ों को डिटेल में समझिएगा। क्योंकि कुछ लड़कों का एसएमएस आया था मेरे पास कि सर बीटीई बोर्ड के साइट पर ना दो पीडीएफ है, एक तो 101 पेज का है ना, 101 पेज के जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के सभी ब्रांच का किस दिन किस टाइम पेपर होने वाला है और बैक पेपर सबका और टाइम टेबल निकला है। ये तो 101 पेज का है, उसके साथ साथ एक पेज का और आया हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ? देखिए आपके सामने पीडीएफ दिख रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीडीएफ है ना अच्छे से पढ़िएगा। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आप मेरे टेलीग्राम लिंक में चले जाइए, दोनों पीडीएफ को सेंड कर दिए हैं, या फिर हमको पर्सनली मैसेज भी कर देंगे ना तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, दोनों। देखिए जो एक पेज का पीडीएफ है इसमें ये बताया गया है, हाँ एक ये जो एक पेज का पीडीएफ है ये सभी प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज को भेजा गया है। उनको ये बताया गया है, बोर्ड कह रहा है कॉलेज वालों से कि हम लोग ना 16 जनवरी से पेपर कराने वाले हैं और ये सब्जेक्ट इस दिन होगा। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एडेड कॉलेज वाले आप लोग ये देख लीजिए कोई सब्जेक्ट, किसी ब्रांच का कोई सब्जेक्ट छूट तो नहीं गया, यानी किसी भी तरह की त्रुटि यदि हो तो आपको 5 जनवरी 2024 से पहले बोर्ड को बता दीजिए, यदि कोई त्रुटि पाया गया फिर टाइम टेबल चेंज होगा, है ना, ऐसा कहा गया। देखिए हम एकदम सीधा लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिखा है कि सेवा में प्रधानाचार्य निदेशक, है ना, प्रधानाचार्य को भेजा गया। कोई पीडीएफ डाउनलोड करिए ना, एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, आपको समझ आ जाएगा क्या लिखा है। कि विषय पढ़ेंगे वहीं से क्लियर हो जाएगा। लिखा है कि विषम सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 के प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार के त्रुटि, क्लैशिंग आदि का परीक्षण किए जाने के संबंध में, है ना, कि भाई ऐसा ना हो कि दो सब्जेक्ट एक ही टाइम लड़ गया। अपना देख लीजिए, कॉलेज वाले अपना देख लीजिए भाई, ऐसा ना हो दो पेपर एक ही टाइम हो जाए। तो फिर जैसे कि मान लीजिए कोई सिविल थर्ड सम, कोई सिविल फिफ्थ सेमेस्टर में सर्वे देने वाला है, मान लीजिए सर्वे सेकंड का पेपर है, तो उसी दिन हो सकता है उसका बिल्डिंग ड्राइंग में बैक हो थर्ड सेमेस्टर में। तो ऐसा ना हो कि बिल्डिंग ड्राइंग और थर्ड सेमेस्टर का बिल्डिंग ड्राइंग और फिफ्थ सेमेस्टर का सर्वे एक ही टाइम पड़ जाए, क्लैश कर जाए टाइम, है ना, समझ रहे हैं चीज को ना। या फिर किसी कोई सब्जेक्ट छूट जाए, या सभी ब्रांच वाले अपना अपना सब्जेक्ट देख लें भाई, सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल में जिक्र है कि नहीं, है ना, तो यही चीज बताया गया है। तो नीचे लिखा गया है कि उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि परीक्षा की विषम सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा 16 से प्रारंभ होना निर्धारित है, उक्त परीक्षा प्रस्तावित वेबसाइट पर दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि वेबसाइट पर अपलोड प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम का भली भांति परीक्षण कर लें। परीक्षा कार्यक्रम में यदि किसी प्रकार की त्रुटि या क्लैशिंग या किसी विषय की परीक्षा छूट गई हो तो 5 जनवरी 2024 से पहले कार्यालय को इस ईमेल पर क्या करें, भेज दें, है ना। अगर आप भेज देते हैं तो ठीक है, वो करेक्शन होगा, है ना, कोई भी आप इरर उसमें मिलता है, क्लैश करता है, कोई सब्जेक्ट छूट गया है तो वो तो इरर होगा, तब थोड़ा वो टाइम या डेट इधर उधर हो सकता है। यदि सारा टाइम टेबल जो भेजा गया है वो सही है, हाँ जो सारा टाइम टेबल सही है तो समझिए कि जो टाइम टेबल आया हुआ है उसी टाइम टेबल पे आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। हाँ तो ये जो एक अलग से पीडीएफ आया हुआ इसका मतलब यही हुआ, आपको डिटेल में हम बताएं इसका मतलब क्या हुआ। तो आई होप आप ये मान के चलेंगे कि 16 से एग्जाम है मेरे लाल, यदि कोई ईरर भी आता है, कोई क्लैश करता है, कोई विशेष छूट भी गया तो उसको ऐड कर दिया जाएगा, एक दो दिन इधर उधर होगा, लेकिन मान कर चलिए बोर्ड में बैठे हैं लोग तो सही बनाए होंगे, है ना, तो आपका एग्जाम 16 से होगा। ये जो आया है टाइम टेबल बाय डिफॉल्ट सही ही माना जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।